today's lecture, we will discuss about the anatomy of tongue. This lecture includes the tongue anatomy, mucous membrane of the tongue, papillas of the tongue, muscles of the tongue, blood supply and nerve supply of the tongue. First of all, tongue is the mass of a striated muscle. ये एक striated muscle से composed होता है. It does not contain any bone. And it is covered with a mucous membrane. ये mucous membrane से cover होता है. Tongue जो है posteriorly attach होता है mandible से, hyoid bone से और हमारे styloid process से by the help of muscles. Tongue का जो ये upper surface है ये divide हुआ हुआ होता है anterior और posterior part में by the help of this sulcus terminalis. और जो उसका anterior part होता है वो right और left half में divide हुआ होता है by the help of this fibrous septa. जो कि बिल्कुल मिडलाइन में लोकेटेड होता है वो एंटीरियर पार्ट को राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर देता है. और जो उसका पोस्टीरियर और एंटीरियर पार्ट है टंग का वो डिवाइड हुआ होता है सल्कस टर्मिनेलिस के थ्रू. ये इसका पोस्टीरियर पार्ट हुआ, ये इसका एंटीरियर पार्ट हुआ. नाउ मूविंग टुवर्ड द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द टंग. अब जो अपर पार्ट ऑफ द टंग है मैंने आपको बताया कि दैट इज़ डिवाइडेड इंटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट बाई द हेल्प ऑफ दिस सल्कस टर्मिनेलिस. सल्कस टर्मिनेलिस का जो है ये एपिक्स होता है और ये प्रोजेक्ट करता है बैकवर्ड. इसका जो फेस होता है वो बैकवर्ड की तरफ प्रोजेक्ट करता है. इधर जो है एक फोरामेन होगा जिसको हम कहते हैं फोरामेन सीकम. फोरामेन सीकम बेसिकली इसका कोई फंक्शन नहीं होता है, ये जस्ट एक एम्ब्रियोलॉजिकल रेमिनेंट होता है हमारा थायरोग्लॉसल डक का. अगर ये परसिस्ट करे तो ये थायरोग्लॉसल सिस्ट में कन्वर्ट हो सकता है. और जो टंग का एंटीरियर टू थर्ड है, ये टंग का एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है. इसका एंटीरियर टू थर्ड जो है टंग का वो पेपिलाज होती हैं. थ्री टाइप्स ऑफ पेपिलाज आर प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द टंग, दैट इज फिलीफॉर्म पेपिला, फंजीफॉर्म पेपिला एंड वैलेट पेपिला. इसकी लोकेशन मैं आपको डायग्राम में बताऊंगी. अब जो टंग का पोस्टीरियर टू थर्ड है उसमें कोई भी पेपिलास प्रेजेंट नहीं होती हैं, लेकिन जो पोस्टीरियर थर्ड है टंग का वो उसकी साइड में जो है रफ़ सरफेस होता है. ये रफ़ सरफेस किस वजह से होता है कि यहाँ पे जो है लिंगुअल टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं. पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग दैट इज़ डिवॉइड ऑफ एनी पेपिला, बट द इरेगुलर सरफेस ऑफ द टंग पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लिंगुअल टॉन्सिल्स. अब जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये इन्फीरियर सरफेस ऑफ द टंग है. जो इन्फीरियर सरफेस ऑफ टंग पे टू इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स प्रेजेंट होते हैं. ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है ये होता है फ्रेन्यूलम ऑफ द टंग, जो कि हमारे टंग को माउथ से कनेक्टेड करता है. जो इन्फीरियर सरफेस ऑफ टंग है वो फ्लोर ऑफ द माउथ से कनेक्टेड होता है बाय द हेल्प ऑफ दिस फ्रेन्यूलम. अब फ्रेन्यूलम के मूविंग टुवर्ड द लेटरली ये जो आपको वीन्स दिख रही हैं ये हैं डीप लिंगुअल वीन. डीप लिंगुअल वीन के लैटरली एक फोल्ड आता है जिसको हम कहते हैं प्लाइका फिम्ब्रेटा. जो ये फोल्ड जो है ये टंग के इन्फीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है. बस यही लैंडमार्क्स हैं जो कि टंग के इन्फीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और ये इम्पॉर्टेंट हैं. अब ये डायग्राम है टंग के अपर सरफेस का जो एंटीरियरली और पोस्टीरियरली डिवाइडेड हुआ हुआ है बाई द हेल्प ऑफ दिस ट्राइंगुलर फोल्ड दैट इज कॉल्ड एज सल्कस टर्मिनेलिस. At the apex of the sulcus terminalis, there is a foramen that is called as a foramen cecum, and it is the remnant of thyroglossal duct. If it persists, it will cause a thyroglossal cyst. Then the anterior two-third of the tongue is divided into the right and left half by the help of this fibrous median sulcus. At the interior part of the tongue, there are several papillas that is called as the foliate, filiform and fungiform papilla that are present on the interior surface of the tongue. While the posterior surface of the tongue is divided, is devoid of any papilla, and the rough surface, this rough part of the tongue posteriorly is formed by the lingual tonsils. अब टंग के जो मसल्स हैं वो दो ग्रुप में डिवाइडेड हुए हैं. एक है एक्सट्रिंसिक मसल, दूसरा ग्रुप है इंट्रिंसिक मसल. इंट्रिंसिक मसल्स का फंक्शन बेसिकली यही होता है कि ये पहली बात तो ये किसी भी बोन से अटैचमेंट नहीं होती है इनकी, ये टंग के टंग में ही प्रेजेंट होते हैं.
दूसरा ये कि इंट्रिंसिक मसल सिर्फ टंग की शेप को अल्टर करते हैं, मूवमेंट नहीं करवाते हैं टंग की, सिर्फ टंग की शेप अल्टर करते हैं। दूसरा ये एक्सट्रिंसिक मसल, ये जो हैं बोन से अटैच होते हैं और ये टंग की मूवमेंट करवाते हैं, जबकि ये इंट्रिंसिक मसल सिर्फ टंग की शेप को अल्टर करवाते हैं और ये किसी बोन से अटैच नहीं होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द इंट्रिंसिक मसल। इंट्रिंसिक मसल सारे ओरिजिनेट होते हैं मीडियन सल्कस से, जो कि टंग को डिवाइड करता राइट और लेफ्ट हाफ में। ये सब मीडियन सल्कस से ओरिजिनेट होते हैं और इंसर्ट होते हैं टंग की म्यूकस मेम्ब्रेन पे। अब ये तीन टाइप ऑफ द मसल्स हैं, एक है ट्रांसवर्स मसल, दूसरा वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडनल मसल। ये जो है लंबे, ये इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ये वाले, देन वर्टिकल मसल्स और ट्रांसवर्स मसल। अब ये तीनों जो मसल्स हैं इंट्रिंसिक टंग के मसल, ये सप्लाइड बाय द हायोग्लॉसल नर्व। मसल एक्सट्रिंसिक ग्रुप ऑफ अ मसल में सबसे पहला मसल आता है जीनियोग्लॉसस मसल, पैलेटोग्लॉसस मसल, हायोग्लॉसस मसल एंड स्टाइलोग्लॉसस मसल। अब जीनियोग्लॉसस की ओरिजिन और इंसर्शन देख लेते हैं। जीनियोग्लॉसस जो है ये हमारा मैंडिबल है, इसका जो जीनाइल ट्यूबरकल होता है वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है और टंग के, अब जीनियोग्लॉसस तो जीनियो से जीनाइल ट्यूबरकल, ग्लॉसस मतलब टंग, तो जीनाइल ट्यूबरकल से ये ओरिजिनेट होगा और इंसर्ट होगा टंग पे ही, बाकी सारे जो टंग के मसल्स हैं उनसे फ्यूज हो जाएगा और ये इसका नर्व सप्लाई हाइपोग्लॉसल नर्व करवाती है। दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो है टंग की प्रोट्यूजन करवाती है, मतलब टंग को बाहर निकालती है। अब दूसरा जो मसल है वो है हायोग्लॉसस मसल, ग्लॉसस, हायो से मतलब हायोइड बोन से इसकी ओरिजिन होगी, हायोइड बोन के ग्रेटर कॉर्नू से इसकी ओरिजिन हो रही है और ये ग्लॉसल मतलब टंग पे ही अटैच हो रहा है, जो बाकी टंग के मसल्स हैं उनसे जाके ये फ्यूज हो रहा है। ये भी इसका नर्व सप्लाई भी हाइपोग्लॉसल नर्व से ही होगा और इसका फंक्शन क्या होता है, टंग को डिप्रेस करवाना। फॉर एग्जांपल अगर हम ऊपर से टंग के कोई स्टिक रख रहे हैं तो हमारी टंग डिप्रेस हो जाएगी, वो इस हायोग्लॉसस मसल्स का काम होता है। दूसरा टंग का मसल है वो है प्लेटोग्लॉसस, ये जो आपको दिख रहा है ये है प्लेटोग्लॉसल मसल। प्लेटोग्लॉसस मसल जो है हमारी पैलेटाइन एपिनिरोसिस होती है, इधर से ओरिजिनेट होता है और टंग की ये है पैलेटाइन एपिनिरोसिस, यहाँ से ओरिजिनेट होगा और टंग की जो साइड्स हैं यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। इसका काम ये होता है, इसकी जो है नर्व सप्लाई बाकी सारे मसल से डिफरेंट होती है, ये जो है ये फेरेंजियल प्लग्स से सप्लाई होता है, बाकी जो सारे मसल्स हैं वो टंग के सप्लाई होते हैं हाइपोग्लॉसल नर्व से। तो ये BCQ में आ सकता है, जो प्लेटोग्लॉसल मसल है दैट इज सप्लाई बाय द फेरेंजियल प्लग्स। और इसका क्या काम होता है, ये टंग को बैकवर्ड और अपवर्ड मूव करवाता है। दूसरा मसल है स्टाइलोग्लॉसस मसल, स्टाइलोग्लॉसस मसल आपको दिख रहा है जो कि ओरिजिनेट हो रहा है स्टाइलाइड प्रोसेस से ये ओरिजिनेट हो रहा है और बाकी टंग के मसल्स में आके फ्यूज़ हो रहा है। इसकी भी नर्व सप्लाई हाइपोग्लॉसल नर्व से होगी। इसका क्या काम होता है, इसके फाइबर्स की आप ओरिएंटेशन देख सकते हैं, इसकी फाइबर की ओरिएंटेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है, टंग मतलब हम किसी भी मसल्स की फाइबर की ओरिएंटेशन देख के उसकी मूवमेंट का पता लगा सकते हैं कि वो, अब देखें इसकी फाइबर्स जो हैं वो अपवर्ड मूव हो रही हैं, तो ये टंग को जो है पीछे की तरफ मूव करवाएगा, बैकवर्ड टंग की मूवमेंट करवाएगा स्टाइलोहायोइड मसल, और ये भी हाइपोग्लॉसल नर्व से सप्लाई होता है। सिर्फ एक मसल है टंग का पैलेटोग्लॉसस मसल जो कि सप्लाइड बाय दी फेरिंजियल प्लग्स। नाउ द ब्लड सप्लाई ऑफ द टंग, ब्लड सप्लाई ऑफ द टंग होता है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से, जो कि ब्रांच देगी फेशियल आर्टरी को, फेशियल आर्टरी फर्दर ब्रांच देगी लिंगुअल आर्टरी, देन लिंगुअल आर्टरी विल सप्लाई दी टंग। इसका वीनस ड्रेनेज जो होता है वो होता है इंटरनल जगुलर वीन में। नाउ द नर्व सप्लाई ऑफ द टंग, नर्व सप्लाई, अब टंग के अंदर दो तरह की सेंसेशन होती है, जो मेन सेंसेशन होती है वो टेस्ट की होती है। एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग जो है उसमें से टेस्ट सेंसेशन जो है दैट विल ट्रांसमिट बाय द हेल्प ऑफ द कॉर्डा टेम्पनी नर्व। बाकी जो जनरल सेंसेशन है एंटीरियर टू थर्ड की, फॉर एग्जांपल जनरल सेंसेशन में हॉट या कोल्ड की सेंसेशन, टच की सेंसेशन, वो जनरल सेंसेशन में आ गई,
वो ट्रांसमिट होगी लिंगल नर्व से. लिंगल नर्व जो है वो हमारी ट्राइजर्मिनल की ब्रांच है, ट्राइजर्मिनल के मैंडिबुलर डिवीजन की ब्रांच है लिंगुअल नर्व, जो कि जनरल सेंसेशन ट्रांसमिट करेगी. फेशियल नर्व की ब्रांच है कॉर्डा टेम्पनी, जो कि हमारी टेस्ट सेंसेशन एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग ट्रांसमिट करेगी. बाकी जो है ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व जो है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग को टंग की सेंसेशन ट्रांसमिट करेगी, टच टेम्परेचर जनरल सेंसेशन भी और जो है हमारी टेस्ट की सेंसेशन भी ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व पोस्टीरियर पार्ट से ट्रांसमिट करेगी. ये है सेंसरी सेंसेशन. जो आपको मैंने मसल्स की सेंसेशन बताई थी वो थी उसकी मोटर इनर्वेशन, और वो हो रही थी हाइपोग्लॉसल नर्व के थ्रू. बाकी जो सेंसरी इनर्वेशन है वो लिंगुअल नर्व, जो कि ट्राइजर्मिनल के मैंडिबुलर डिवीजन की ब्रांच है, और फेशियल नर्व कॉर्डा टेम्पनी, फेशियल नर्व की ब्रांच कॉर्डा टेम्पनी वो हमारी टेस्ट सेंसेशन में है, और ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व भी टेस्ट और जनरल सेंसेशन में है.